यू गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने हमारे टॉप 5 फेवरेट कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स इन चंडीगढ़। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मेरे को और अमान को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है नई जगह एक्सप्लोर करना। पर हम लोग कोई नई जगह एक्सप्लोर नहीं करेंगे, हम लोग उन्हीं कैफेज़ और रेस्टोरेंट्स करेंगे जहाँ पे हम ऑलरेडी गए हुए हैं और हमें पता है कि बेस्ट है, एम्बियंस अच्छा है, खाना अच्छा है। तो हमने सोचा हम आपको भी ले चलते हैं। जो लोग चंडीगढ़ से नहीं है, बाहर से हैं, मे बी उन लोगों के लिए हेल्पफुल ब्लॉग, राइट अमान? सो ये अमान है, अमान हाय बोल दो। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, पर बस निकल गए हैं घर से, अब जा रहे हैं। सो पहले कौन सी जगह एक्सप्लोर करेंगे अमान? देखते हैं। सो गाइज, आ गए हैं हम लोग कैफ़े होलियो। नो डाउट इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, एम्बियंस इज़ वेरी गुड और इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग बनाया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है और ऊपर टेरेस है, तो टेरेस की वजह से ये बहुत ही अच्छा है और ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत लेटेस्ट इंटीरियर है और मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा। और खाना भी बहुत अच्छा है, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज एवरीथिंग इज़ गुड। पर मेरे को रमान को एक चीज़ लगी कि हमने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की और हमें क्वांटिटी बहुत कम लगी। सो अगर आप लोगों को ये है कि आप लोग यू वांट टू ऑर्डर बंच ऑफ डिशेस, देन इट्स फाइन। पर अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि 1-2 चीज़ें ऑर्डर करके आप लोग को थोड़ा फीलिंग फील होगा और तो वो नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी क्वांटिटी बहुत कम है। पर अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी जगह है और क्योंकि ये सेक्टर 35 में है और बैक साइड पे है, तो इसलिए मैंने इसको, और फूड की वजह से ही, क्योंकि क्वांटिटी कम है इसकी वजह से मैंने इनको 5th रैंक पे रखा है। बट ओवरऑल बहुत अच्छा है। सो हमने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, बहुत अच्छा है, स्टाफ भी बहुत अच्छा है और सर्विसेज बहुत अच्छी है इनकी। गाइज, अब हम आ गए हैं कैफ़े जेसीज और ये सेक्टर 10 में है और बहुत अच्छी जगह है। हम लोग यहाँ पे पहले भी बहुत बार आ चुके हैं, मैं और अमान, और हम लोग यहाँ पे खाना बहुत इन्जॉय करते हैं। इनका खाना बहुत यमी है, इनका फूड बहुत यमी है और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है और एम्बियंस बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने पेट को लेके आना चाहते हैं तो ये इस जगह का प्लस है कि आप अपने पेट को भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं, तो इट्स अ पेट फ्रेंडली प्लेस। और इसमें इंडोर बैठने के लिए है और आउटडोर भी आप बैठ सकते हो और इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग मज़ेदार बना हुआ है और बड़ा ठंडा ठंडा लगेगा आपको। इवन आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है और पर फिर भी आपको बहुत अच्छा प्लेजेंट फील होगा यहाँ पे बैठ के। और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, तो सब कुछ बहुत अच्छा है इस जगह में। पर क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और इससे बेटर प्लेसेस अब आ चुकी हैं चंडीगढ़ में, तो इसलिए मैं और अमान इसको नंबर 4 पे रख रहे हैं। पर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस जगह में सारे प्लस ही हैं, हमें कुछ नेगेटिव नहीं लगता। और इनका मेन्यू भी बहुत बड़ा है और आपको इनके मेन्यू में सब कुछ मिलेगा, इंडियन भी मिलेगा और चाइनीज़ भी मिलेगा आपको, कॉन्टिनेंटल मिलेगा। तो आप मतलब जिस भी तरह का खाना इन्जॉय करना चाहिए यहाँ पर कर सकते हैं और बहुत अच्छा बना हुआ है। सो गाइज़, अब हम लोग आ गए हैं, मैं और अमान, हमारी बहुत फेवरेट जगह पे, जो कि है बेला विस्ता। ये भी चंडीगढ़ में ही है, जेसीज़ कैफ़े के बिल्कुल साथ में ही है। और इस जगह के तो सारी प्लस ही हैं यार, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मेनली आते हैं तो हम लोग कॉफ़ी इन्जॉय करते हैं और हम लोगों को कुछ नहीं खाना और हम लोग सिर्फ बैठना चाहते हैं, बाइबल पढ़ना चाहते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, तो हम लोग को ये जगह बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसका आउटडोर बैठने के लिए बहुत ही अमेजिंग है। और सबसे अच्छी बात है कि अपने इंटीरियर में कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं और कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग को, जब भी हम लोग जाते हैं, अगर हम लोग 1 महीने बाद जा रहे हैं, वैसे हम लोग इतना टाइम नहीं लगाते हैं, हम जल्दी बहुत फ्रीक्वेंट हैं, पर अगर हम इतने टाइम बाद जाएँ तो इनके इंटीरियर में कुछ ना कुछ चेंज होता ही है। और अभी इन्होंने अपना रेस्टोरेंट भी बहुत बड़ा कर लिया, तो इंडोर भी काफ़ी बैठने के लिए स्पेस है और इनका मेन्यू भी बहुत अच्छा है, खाना बहुत ही अच्छा है इनका, तो आप बहुत इन्जॉय करोगे। कॉफ़ी बहुत अच्छी है इनके,
इनके मॉकटेल्स भी अच्छे हैं और पास्ताज पिज़्ज़ाज एवरीथिंग इज़ गुड, इनका सब कुछ अच्छा है. पर इनके यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि आप अगर नॉन वेजिटेरियन हो, अगर आप नॉन वेज लवर हो, तो आपको वो उस चीज़ में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये वेज रेस्टोरेंट है. पर अदरवाइज सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है. आई मस्ट से के अगर कोई चंडीगढ़ से बाहर से आ रहा है तो यहाँ पे एक बार आना ही चाहिए. और ऊपर से लोकेशन बहुत अच्छी है, सेक्टर 10 में है ये, तो लोकेशन की वजह से भी बहुत अमेजिंग है ये. तो यस, ये है हमारे लिए नंबर 3 पे. सो गाइज, अब हम लोग आ गए हैं कॉटेज, और ये है सेक्टर 7 में. और मेरे और अमान की वन ऑफ द फेवरेट प्लेसेस है यहाँ पे, हम लोग आते हैं. और मेरे को और अमान को जब भी अकेले बाहर जाना होता है और डेट पे जाना होता है और एक रोमांटिक डेट करनी होती है, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाएं, क्योंकि यहाँ पे हम कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं, हम इंजॉय कर सकते हैं. इनकी इनकी सांग्रिया बहुत अच्छी है, इनकी मॉकटेल्स कॉकटेल सब कुछ बहुत अच्छा है, इनका फूड बहुत अच्छा है. अगर आप नॉन वेज खाते हैं और यू लाइक कॉन्टिनेंटल इटालियन, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू. तो इनका आउटडोर भी है बैठने के लिए, पर अभी जैसे कि 5 or 6 हुए हैं और समर्स पीक पे है, तो इस टाइम पे हम लोग बाहर नहीं बैठ रहे हैं. बट अदरवाइज़ बाहर बैठने के लिए बहुत ब्यूटीफुल है, बाहर भी कैंडल्स होती हैं और बहुत अमेजिंग सा एटमोसफेयर होता है यहाँ का. तो हम लोग को बहुत अच्छी लगती है जगह. और मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि आप लोग अपनी फैमिली के साथ या आप डेट पे आना चाहते हैं, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस फॉर यू. और अच्छा है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हो यहाँ पे, जस्ट चिट चैटिंग. सो या, ये हमारे लिए है नंबर 2 पे. सो गाइज, दिस इज पिकैडलिया हमारी लिस्ट में नंबर 1 पे, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग जगह है. चंडीगढ़ से थोड़ा सा बाहर है, न्यू चंडीगढ़ में आती है, बट इट्स एन अमेजिंग प्लेस. आप लाइक आप शाम के टाइम, सनडाउनर के टाइम पे यहाँ पे पहुँच जाओ, एक अच्छी सी ड्राइव है और आप यहाँ पे पहुँच जाओ. पर आई वुड से कि अगर आप वीकेंड पे जा रहे हो तो पहले से रिजर्वेशन करवा के जाना, क्योंकि अदरवाइज टेबल के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है. पर बहुत अच्छी प्लेस है, आप यहाँ पे आप फूड इंजॉय कर सकते हो, मॉकटेल्स कॉकटेल्स सब कुछ इंजॉय कर सकते हो. आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो यहाँ पे. और बहुत एम्बियंस बहुत ही अच्छा है, और स्टाफ बहुत अच्छा है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं. और हमने यहाँ पे जो कुछ भी खाया, हमें सब कुछ बहुत अच्छा लगा. और यहाँ का एक प्लस ये है कि इनके साथ में अगर आप मूवी देखना चाहते हैं अपनी कार में बैठ के, तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. यहाँ पे दे हैव अ थिएटर कैफ़े, तो आप अपनी कार में बैठ जाइए एंड दे प्ले अ मूवी, और आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं. और बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है. आई मीन चंडीगढ़ में न्यू है, तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है. और यहाँ का एम्बियंस बहुत अच्छा है, पूरा सारा का सारा ही आउटडोर है. तो ये हमारी लिस्ट पे है नंबर 1 गाइज, मस्ट विजिट प्लेस. सो गाइज, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. और हम लोग इन फ्यूचर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे फॉर यू गाइज. सो सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय.